मिलता है सूर्य से, है ना। और हमको ना सबसे ज्यादा विटामिन डी तो सूर्य से मिलता है, इसलिए ऊर्जा के स्रोत में सबसे ज्यादा लाभदायक किससे माना जाता है? सूर्य को। देखिए हम योग कराते हैं तो योग द योगा साइंस बोलते हैं ना, योग क्या है? विज्ञान है, पूर्ण विज्ञान पर आधारित है। तो आइए हम करते हैं सूर्य नमस्कार। सबसे पहले इस प्रकार से सीधे खड़े रहेंगे और चलिए मैं बोलते जाऊंगा। आइए सबसे पहले अपने दोनों हाथों को हम प्रणाम की स्थिति में रखेंगे। क्या हुआ? प्रणाम। श्वास अंदर भरते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर झुकने का प्रयास करेंगे, फिर श्वास बाहर छोड़ते हुए आगे की ओर झुकते हैं। पाद हस्तासन है ना, इसको पाद हस्तासन। अपने बाएं पैर को फिर पीछे रखेंगे और इस प्रकार सामने की ओर देखेंगे। अश्व के भांति है ना, घोड़े जब दौड़ता है इस स्थिति में पोजीशन बनता है। फिर आइए अपने दाएं पैर को भी पीछे लगाना है और पर्वत की भांति ऐसा पर्वत विश्वास बाहर छोड़ते हुए अपने पूरे शरीर को इस पर जमीन से कराना, पेट जमीन से कराना। लड़का बन में पांच हुआ था रे। कैसे बच्चे लोग, थक गए क्या? करो फिर। ये देखो बहुत ही अच्छा सरल आसन। सांप देखो सांप। हाँ ये भुजंग करता ही वो सांप होता है, संस्कृत में भुजंग। आइए अपने नाभि रखेंगे, फिर बाएं पैर सामने। बहुत ही अच्छे कर रहे हैं हमारे सभी।